नमस्ते नमस्ते जी सर नमस्ते सर, मैं वो अरुणाचल की महिला का तरफ से सारा अरुणाचल का तरफ से नमस्ते करती हूँ। मेरा नैतिक महिला आदेश तो सर मेरा प्रश्न 2019 में इंडिया का उपराष्ट्रपति लोग एक साथ हो हमारा पार्टी का अकेला हो गया, तो 2000 इलेक्शन में हम लोग अभी क्या करना है? तो सर आपका सर आप हम लोग क्या और हम लोग करके हम लोग सरकार पाएगा? देखिए तादार जी, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। देखिए बात सारे विपक्ष के एक जुट होने की नहीं है, इसमें कुछ ही दल हैं जिनके नाम की ब्रांडिंग मां गठबंधन के तौर पर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन महागठबंधन भी गांठों का बंधन नहीं है, ये अपनी कमजोरियों का अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ अवसरवादी लोगों का गठजोड़ है। और जब 125 करोड़ देशवासियों ने इनको अपने दिलों से निकाल दिया तो वो दलों को जोड़ करके जाना चाहते हैं। वे दलों को जोड़ रहे हैं, हम 125 करोड़ दिलों को जोड़ रहे हैं, ये फर्क है। उनके लिए दलों को जोड़ना मजबूरी है, हमारे लिए दिलों को जोड़ना हमारा राजनीतिक राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस गठजोड़ में नेतृत्व पर भ्रम है, नीति अस्पष्ट है, नियत भ्रष्ट है, इनका एक ही संकल्प है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ। हमारा संकल्प एक ही है कि देश को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। महागठबंधन का जो विचार है वो एक संगठन के तौर पर भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं की शक्ति का परिचय देता है। आप मुझे बताइए, कुछ वर्ष पहले कांग्रेस का मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने लिखित प्रस्ताव किया है कि हम कभी भी किसी दल के साथ समझौता करके नहीं चलेंगे। आज क्या कारण है कि जो दल जो मांगे वो देकर के वो कहते हैं हमें साथ रखो हमें साथ रखो हमें साथ रखो हमें बचा लो। देखिए जब कोई पेशेंट आईसीयू में पड़ा होता है ना, तो उसको भांति भांति की चीज़ें लगाते हैं, इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे मुंह पे लगाएंगे, सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं ताकि पेशेंट बच जाए। ये कांग्रेस ये सपोर्ट सिस्टम लगा रही है अपने आप पर अलग अलग दलों से ताकि कांग्रेस बच जाए, कांग्रेस जिंदा रह जाए, तो उनके लिए ये सारे दल सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है जो कांग्रेस को आईसीयू से बचा ले।